क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, पूछा जा रहा है कौन जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है सामान्यता, ऑप्शन बी में है मोलरता, ऑप्शन सी में है मोलरता और ऑप्शन डी में है नॉर्मलता। तो आप भलीभांति जानते होंगे कि मोलरता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनम अधिकतम होगा। देख सकते हैं यह बीसीसी एग्जाम 2009 और 2013 में पूछा गया है, रिपीटेशन ये क्वेश्चन है सारे। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है कि यूरिया, ऑप्शन बी में है ग्लूकोज, ऑप्शन सी में है K2SO4, ऑप्शन डी में NaCl। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर K2SO4 का जो हिमांक अवनमन है सबसे अधिकतम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग K(a)2b, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो कोटि कैसे ज्ञात किया जाता है, कोटि किसी भी तत्व का पावर यानी कि घातों का योगफल ही अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 1 का पावर 2, यहाँ पे इसके बाद इनटू इसके बाद बी का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इन दोनों का घातों का योगफल ही अभिक्रिया की कोटि होती है, तो 2, 1, 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है कि कॉपर पायराइड का सूत्र है, तो आप इसे याद किए होंगे कि कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2 होता है। क्या होता है वैसे आप निकाल भी सकते हैं, वैसे कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2 होता है। तो देख सकते हैं यह BCC एग्जाम 2010, 2015 और 2013 और 2021 यह कितना में पूछा गया है, 2010 में भी, 15 में भी, 17 में भी और 21 में, हो सकता है 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेशन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाली तत्व है, भूपरपट्टी यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी में पाया जाने वाला सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो देख सकते हैं यह BCC एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है Mg यानी कि मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है Fe यानी कि आयरन, ऑप्शन सी में है Al यानी कि एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में Zn यानी कि जिंक। तो भूपट्टी में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम। क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय होने का कंडीशन है, आप कंडीशन पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। चतुष्फलकीय होने के लिए सिंपल सा मैं बताओ, sp3 प्रसंस्करण का जो भी तत्व होगा वो क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NiCl4 2- है, NiCl4 2-, जब इसका निकालिएगा तो इसका प्रसंस्करण sp3 आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, चतुष्फलकीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि NiCO4 में Ni यानी कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि अंक होगा, ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन BCC एग्जाम 2009 और 2012 में दोनों में पूछा गया है। तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है, आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं आता हो तो आप सीख लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या हर एक साल पूछा जाता है, एक ना दो क्वेश्चन हर एक साल रहता है, 35 में 35 2022 में पक्का आएगा। तो निकेल का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है, तो निकेल का आप जानते हैं निकेल का निकालना है, अगर जिसका निकाला जाता है उसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसके बाद प्लस दे देते हैं, इसके बाद सी ओ कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, और इसके बाद 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में 0 दे देते हैं, इसके बाद यहाँ पे जब 0 को 4 से गुणा, यहाँ पे Ni है तो Ni दे देते हैं, और इसके बाद प्लस 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि Ni यानी कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट में बोला जा रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कि सबसे अच्छा चालक
कौन सा है। तो देख सकते हैं ये बीसीसी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है चारकोल, ऑप्शन बी में हीरा, ऑप्शन सी में शीशा, ऑप्शन डी में है ग्रेफाइट। तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से ग्रेफाइट है, यानी कि इस ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या, यहाँ पे HCP इकाई सेल में पूछा जा रहा है। तो HCP इकाई सेल में आप परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 7। तो HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होती है वह 12 होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो प्रतिक्रिया करने का दर किस पे करता है, परमाणु भार पे करता है, समतुल्य भार पे करता है, अनुभार पे करता है, या संक्रिय भार पे करता है। देख सकते हैं यह बीसीसी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संक्रिय भार सही हो जाएगा, संक्रिय भार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि शनिवार का सूत्र है। तो आप शनिवार का सूत्र जानते होंगे कि ये देख सकते हैं कि बीसीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया HGS, PBS, ZNS, H2S। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा HGS, HGS यानी कि शनिवार का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए इस 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इस ग्रुप के तत्व को हम संक्रमण तत्व मानेंगे। तो संक्रमण तत्व आप भली भांति जानते होंगे, इस पी ब्लॉक ऑप्शन ए में है पी ब्लॉक, ऑप्शन बी में है एस ब्लॉक, और ऑप्शन डी में है डी ब्लॉक, और ऑप्शन डी में है एफ ब्लॉक। तो किस ग्रुप को तत्व को हम संक्रमण तत्व मानेंगे, तो संक्रमण तत्व माने जाता है डी ब्लॉक के ग्रुप को, किस ग्रुप को, तो डी ब्लॉक के ग्रुप को हम संक्रमण तत्व बोले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है Na3Cr C2O4 में Cr की उप सहसंयोजक संख्या, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उप सहसंयोजक संख्या, तो उप सहसंयोजक संख्या आप कैसे निकालते हैं, तो उप सहसंयोजक यहाँ पर क्या है शुरुआत में Na3, तो Na का अगर आप निकालते हैं तो Na का हो जाता है -1 हो जाता है। इसके बाद 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। इसके बाद क्रोमियम है और C2O4 है, तो क्रोमियम को हमको निकालना है, Cr यानी कि क्रोमियम की निकालना है, तो बराबर जिसका निकालना आता है उसको बराबर के उस साइड देते हैं, क्रोमियम Cr क्रोमियम दे देते हैं। इसके बाद प्लस प्लस देते हैं, इसके बाद C2O4 का कितना होता है, तो C2O4 का -2 हो जाता है, C2O4 का कितना हो जाता है -2 हो जाता है। इसके बाद 3 है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से क्या कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा इक्वल टू बराबर Cr प्लस, यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 3 दूना यहाँ पे -6 हो जाएगा, और प्लस में Cr है तो Cr हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जब हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे Cr3 यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे +3 निकल जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसको जब हम पूरा को सॉल्व करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे Cr यानी क्रोमियम की उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्रोमियम की उपसहसंयोजक संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि बेकेलाइट है, देख सकते हैं यह बीसीएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया। बेकेलाइट क्या है, योगात्मक बहुलक है, प्रत्यास्थ बहुलक है, तापदृढ़ बहुलक है, और ताप शुगट्य बहुलक है। तो बेकेलाइट क्या है, तो बेकेलाइट एक प्रकार का तापदृढ़ बहुलक है। क्या है बेकेलाइट, एक प्रकार का क्या है तापदृढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि H3PO3 एक है, देख सकते हैं यह बीसीसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। H3PO3 एक है, क्या है यह, एक भास्मिक अम्ल है, या फिर द्विभास्मिक अम्ल है, या फिर त्रिभास्मिक अम्ल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो H3PO3 क्या है, तो H3PO3 एक प्रकार का द्विभाष्मिक अम्ल है। क्या है, द्विभाष्मिक अम्ल है, और यह किस में पाया जाता है, तो यह द्विभाष्मिक अम्ल पी ब्लॉक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पी ब्लॉक में द्विभाष्मिक अम्ल पाया जाता है। तो H3PO3 क्या है, एक भाष्मिक अम्ल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है,
यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीयक सेल कौन है, तो सांद्र सेल है, लेक लांचो सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है जो द्वितीयक सेल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि द्वितीयक सेल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेड स्टोरेज बैटरी इसका द्वितीयक सेल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला रहा है सामान्य सूत्र सी एन एस टू एन प्लस टू वाले यौगिक है। आप इसे जानते होंगे कि एल्किन का सूत्र होता है सी एन एस टू एन प्लस टू, अगर एल्किन का पूछा जाएगा तो सिर्फ सी एन एच टू एन हो जाएगा, एल्केन का सूत्र हो जाएगा, और एल्काइन का पूछेगा तो सी एन एच टू एन और माइनस टू कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एल्केन का पूछा जा रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है सी ओ किसका सूत्र है। अब सी ओ पूछा जा रहा है तो सी ओ क्या होता है काली चूना का सूत्र होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काली चूना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, देख सकते हो बीसीसी एग्जाम 2013 और 2015 में पूछा गया, तो हीलियम का मुख्य स्रोत पूछा जाएगा, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है एक्स ई एफ फोर की आकृति है, एक्स ई एफ फोर की आकृति कैसी है, चतुष्फलकीय है, वर्ग समतल्य स्क्वायर मीटर प्लेनर जिसको बोलते हैं, कोणीय है, इनमें से कोई नहीं। तो आप भली बात जानते होंगे कि एक्स एफ फोर की आकृति जो है वर्ग समतल्य यानी कि स्क्वायर प्लेनर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि मालाकार्ट अयस्क है, मालाकार्ट कौन सा अयस्क है, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, लोहा काट कार्ट कौन सा है इसका, देख सकते हैं ये बीसीसी एग्जाम 2015 और 2019 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया, यह क्वेश्चन सब बार बार रिपीटेशन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोहा, लोहा क्या है मालाकार्ट का एस का, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि बिस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण, देख सकते हैं ये विषय 2018 में पूछा गया तो 2022 में पूछने की पूरी संभावना है। तो विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आप अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालिए, विस्मत का है तो विस्मत का प्लस थ्री हो जाता है, विस्मत का कितना होता है तो विस्मत का प्लस थ्री हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, देख सकते हैं कि 2012, 2016, 2021, 2020, 2020 और 2021 दोनों में बार बार पूछा गया, हो सकता है 2022 में भी कई क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर देते हैं, तो पूछा जा रहा है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑप्शन ए में है सी एल टू, ऑप्शन बी में आई टू, ऑप्शन सी में है एफ टू, बी आर टू और सी एल टू सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ, तो विद्युत ऋणात्मकता के हिसाब से अगर निकालेगा तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो यानी कि F2 इसका यानी कि F2 की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, तो ऑक्सीकारक पदार्थ यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकारक पदार्थ, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F2 सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो आप संक्रमण तत्व जो होता है स्कैंडियम यानी कि 21 से लेके जेड एंड यानी कि 30 तक क्या होते हैं, ये सभी क्या होता है संक्रमण तत्व होते हैं, तो लोहा क्या है संक्रमण तत्व है, निकेल क्या है संक्रमण तत्व ही है, और यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम भी क्या है एक संक्रमण तत्व है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो आप मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम संक्रमण तत्व नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, देख सकते हैं कि ये बीसीसी एग्जाम 2010 21 17 में पूछा गया है, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है पूछा जा रहा है कि हिमांक का अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म है, प्रकाशीय क्रियाशील अनुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आप हिमांक का अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म है आप पढ़े होंगे, क्वथनांक का उन्नयन ये भी है, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये भी है, और एक होता है वाष्प दाब का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन अवनमन ये भी यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशकीय क्रियाशील, प्रकाशीय क्रियाशील क्या है यह अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है,
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कार्बन की संयोजकता, आप जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देख सकते हैं 2016 में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, बेंजीन का सामान्य सूत्र है, बेंजीन का पूछा जा रहा है तो C6H6 बेंजीन का सामान्य सूत्र हो है। देख सकते हैं कि 2020 में पूछा गया है यह क्वेश्चन, BCC एग्जाम में 20 में भी पूछा गया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किससे? संपर्क विधि से किया जाता है, स्टोवल्ड विधि से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, हैबर विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको फिजिक्स का भी, मैथ का भी और चैप्टर वाई भी क्वेश्चन अपलोड किया गया है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पूछा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है, तो ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को हम लोग तैयार करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2022 के एग्ज़ाम के थ्रू से सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन जितने भी होते हैं बिहार बोर्ड में बार बार रिपीटेशन किए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है K2NiCN4 का IUPAC नाम लिखें। आप अगर IUPAC नाम निकालना जानते होंगे तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2010 में पूछा गया है, भले भांति आप निकाल लेंगे। अगर K2NiCl4, तो K2 को हम बोलते हैं पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम है, और यहाँ पे भी पोटेशियम, यहाँ पे भी पोटेशियम, यहाँ पे भी पोटेशियम, सभी में यहाँ पे पोटेशियम है। इसके बाद निकेल और CN4 है, क्या है? CN4। तो 4 के लिए हम टेट्रा लिखते हैं, तो यहाँ पे भी टेट्रा, यहाँ पे भी टेट्रा, यहाँ पे भी टेट्रा, यहाँ पे भी टेट्रा। इसके बाद CN के लिए हम क्या लिखते हैं? CN के लिए साइनो लिखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइनो, तीन जगह साइनो है। इसके बाद है Ni, निकेल को हम लोग क्या बोलते हैं? निकेल नहीं लिखते, निकेल नहीं लिखते, निकेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निकेल। यहाँ पे भी निकेल, यहाँ पे भी निकेल, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है चारों तो कॉमन बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब ऑक्सीकरण संख्या इसका 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, क्या हो जाएगा जब इसका आप ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा? तो इसका अगर आप IUPAC नाम के हिसाब से अगर आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या सिंपल सा निकल जाएगा 2। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पोटासियम टेट्रा साइनो निकेल्ट और ऑक्सीकरण संख्या यानी कि 2, ये हो जाएगा आपको इसका IUPAC नाम। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। 2022 के एग्जाम के लिए 35 में 35 ऑब्जेक्टिव इस बार आपको ठोकना ही ठोकना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।